द इंटरनेट आर्किटेक्चर। अब इंटरनेट ये बहुत पॉपुलर इंटरनेटवर्क्स है, यानी कि इतने सारे नेटवर्क्स जो हैं उसमें सबसे पॉपुलर इंटरनेट ही है। इसका आर्किटेक्चर कैसे है, यानी कि इसमें चीजें जुड़ी कैसे हैं, क्या लेवल है, किस लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर जो फिगर है यहाँ बहुत बड़े लेवल पे हाई लेवल का जो ओवरव्यू दिखाने की कोशिश की है कि वाकई में इंटरनेट का आर्किटेक्चर क्या है। तो शुरुआत करते हैं इस घर से जहां पर आप बैठे हैं। यहां पर कंप्यूटर है या कोई कंप्यूटिंग डिवाइस है, यहां से शुरुआत होती है और यहां से आप कनेक्शन शुरू करते हैं ISP के लिए। ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो नेटवर्क ये ISP का है, और ISP यही इसी को आप पैसा देते हैं। बेसिकली इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप ISP को पैसा देते हैं। जब एक बार आप ये कनेक्टिविटी स्थापित कर लेते हैं तब आप यहां से नहीं, यहां से यहां भी, इन यहां से यहां मतलब ये पूरा कनेक्शन आपका स्थापित हो जाता है और आप डेटा का एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट को कर सकते हैं, डेटा सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। तो ये होता कैसे है, कैसे आप कनेक्ट करेंगे, आपका घर है ये, तो सबसे बढ़िया अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो केबल नेटवर्क है इसको हम HFC कहते हैं, हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल, ये एक HFC नेटवर्क है और ये पूरा पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे केबल ट्रांसमिशन होता है, और ये जो है पैकेट बेस्ड ट्रांसपोर्ट जिसको हम DOCSIS यानी कि डेटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, इसका इस्तेमाल करता है। और इसमें आप डेटा सर्विसेज यूज कर सकते हैं जिसमें टेलीविजन चैनल देखते हैं, हाई स्पीड डेटा और वॉइस सारी चीजें इसमें देखी जाती है। अब जो आपके घर में है मतलब होम एंड पे, यहां पर आप देखेंगे ये आपका केबल मॉडेम है, और जो आप एंड पे देखेंगे जहां आपका एक्चुअल ISP से कनेक्ट होने के लिए जा रहा है, या कहें केबल हेड एंड जहां पर ये केबल निकल रही है उसको कहा जा रहा है आपका केबल हेड एंड, यानी कि केबल मॉडेम यहां पर हो गया, आपके घर से केबल मॉडेम निकलता है और ये केबल हेड एंड हो गया। अब इसको हम कहते हैं, ये वाला जो हो गया इसको कहेंगे केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम, यानी ये जो पार्ट है ये है CMTS, क्या हो गया CMTS। अब इसमें एक शब्द आ गया है मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम का काम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी ये करता क्या है, जैसे आपका कंप्यूटर है, अब ये टेलीफोन लाइन है, अब टेलीफोन लाइन ये तो एनालॉग सिग्नल पे चलती है, आपका कंप्यूटर है ये पूरी तरीके से डिजिटल है, तो डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए आपको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर की जरूरत होती है। तो यहां से डिजिटल जा रहा है, मॉडेम इसको परिवर्तित कर देगा एनालॉग में, फिर ये एनालॉग जा रहा है, उसके बाद ये क्योंकि अब ये कंप्यूटर में आ रहा है तो इस एनालॉग को फिर डिजिटल में चेंज करना पड़ेगा, यही काम होता है मॉडेम का। और अभी का अगर रीसेंट स्टैंडर्ड आप DOCSIS का देखें तो 3.1 फुल ड्यूप्लेक्स है, और इसमें डेटा रेट कम से कम आप मान लीजिए 10 GBPS तक मिल जाता है, बहुत अच्छा डेटा स्पीड है ये। ये तो एक तरीका हो गया, आपने क्या किया कि भाई केवल टेलीविजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज कर लिया। दूसरा तरीका है ये FTTH का, फाइबर टू दी होम FTTH। इसमें क्या होता है कि फाइबर ले डाउन होता है और आपका जो कनेक्शन होगा इसके साथ, जो ISP इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वो आपका FTTH के थ्रू होगा। अब यहां पर क्या हो गया, आपने ये कनेक्शन ले लिया या ये कनेक्शन ले लिया, इसके थ्रू आप ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ISP, बेसिकली वो कंपनी जिसको आप पैसा देते हैं, उसके थ्रू, उसके नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो कनेक्शन, वो लोकेशन जहां पर आपका, या जैसे आपने यहां से पैकेट भेजना शुरू किया मतलब डेटा कनेक्शन स्थापित किया, जिस पॉइंट पे ये ISP पे एंटर होगा इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। क्या कहा जाता है, ये देखिएगा, ये मान लीजिए आपका घर है, ये घर है और यहां से आप जो भेज रहे हैं, यहां से भेज रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रेजेंट, POP। क्लियर हो गया, यहां पर भी देखिए POP दिखाने की मैंने कोशिश की है, ये आपका यहां से आप क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये एंट्री पॉइंट है आपके डेटा की। यहां से आगे सब चीजें डिजिटल है और पैकेट स्विच्ड है, इसके आगे इंटरनेट आर्किटेक्चर में। अब ISP जो हो सकता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपका एकदम रीजनल हो सकता है, जैसे आपका शहर हो, ये पूरा कंट्री हो सकता है, पूरा देश, और इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए ये जो बैकबोन दिखाया है ये सारा वर्टिकल दिखाया है, क्योंकि अलग 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 है जो इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये एक तरीके से ऊपर लेवल पे आप समझ लीजिए इसको। अब ये जो आर्किटेक्चर है इसमें बहुत लंबी लंबी लाइन हो सकती है ना, और यहां पर क्या होगा कि आपको राउटर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग
पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है जहां से डेटा आ रहा है, अलग अलग सिटीज है जिसपे आईएसपी को काम करना है। तो ये जो इक्विपमेंट ये काम करता है इसको हम बैकबोन कहते हैं। आईएसपी के लिए जो ये काम करता है उसको हम कहते हैं बैकबोन। अब ये देखिएगा कि यदि पैकेट डायरेक्टली किसी होस्ट पे जा रहा है, किसी कंप्यूटर पे जा रहा है, अगर वो आईएसपी नेटवर्क में है तब तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। अगर वो आईएसपी पे नहीं है तब आप क्या करेंगे, तब ये बैकबोन पे चला जाएगा और फिर वो जो आईएसपी के लिए डेस्टिंड होगा वहां चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने इधर भेजा, ऐसे बताता हूं मैं आपको, यहां पर आप हैं और आपने भेजा इसको, अगर ये आईएसपी पे है, ठीक है जी, पैकेट जो है वो डायरेक्ट ऐसा होस्ट है, यहां पर भी एक साहब होंगे, तो ये होस्ट है यहां पर डायरेक्टली चला जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बैकबोन पे जाके, जो ये यहां पर क्लियर बैकबोन नेटवर्क दिया गया है, इस बैकबोन पे जाएगा। अगर यहां यहां से गया और वापस यहां आ गया तब तो ये एक ही डेस्टिनेशन पे हो गया, वही यूज कर लेगा। लेकिन नहीं गया, अगर वो किसी और इस पे है तो आपको इस बैकबोन का इस्तेमाल करके फिर भेजना पड़ेगा यू करके, ठीक है जी। आईएसपी जो है, आईएसपी तक हम आ गए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, या ये कहें कि इनके जो नेटवर्क होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं आईएक्सपी के थ्रू। किसके थ्रू? आईएक्सपी। मैं आईएक्सपी दिखाना चाहूंगा आपको। यहां पर ये देखिएगा आईएक्सपी में क्या क्या है। ये है आपका आईएक्सपी, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, और यहां पर आईएसपी है, ये आईएसपी है, ये आईएसपी है और ये आईएसपी है। ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? तो बेसिकली आईएक्सपी है क्या, ये कुछ नहीं है, यहां पर राउटर्स रखे हैं, ठीक है। और राउटर का काम क्या होता है? डेटा को राउट करना, यहां से वहां भेजना। ये जो कनेक्टेड आईएसपीज है, अगर आप मान लीजिए ये और ये आईएसपी आपस में कनेक्टेड होता तो हम कहते हैं कि ये और ये पीयर है, दोस्त है, भाई है, क्लियर हो गया, ये आपस में पीयर हो गया, है ना। अब इसमें क्या होगा कि जो पीयर होते हैं वो कई जगह आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग, जैसे मान लीजिए एक इधर कवर कर रहा है, दूसरा ऐसे कवर कर रहा है, तो ये ओवरलैपिंग रीजन होगा ज्योग्राफिकली इसको देखा जाए। मैंने जैसे बताया कि आईएक्सपी कुछ होता नहीं है, यहां पर राउटर होते हैं और हर एक इसके लिए, हर एक आईएसपी के लिए एक राउटर होगा। देखिए इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, और ऐसे यहां पर इसके लिए ये है। तो बहुत ये इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली ये बहुत फास्ट लैन है, मतलब राउटर्स का लैन है, क्योंकि आपको एक आईएसपी से दूसरे आईएसपी बैकबोन पे, मतलब जैसे एक आईएसपी बैकबोन है ऐसे मल्टीपल होंगे, उनमें डेटा ट्रांसफर करना है, उसके लिए जबरदस्त तरीके से स्पीड होनी चाहिए। एक यहां पर मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं, ये है सबसे बड़ा आईएक्सपी यानी इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ये एम्स्टर्डम में है और इसका नाम है एमएस आईएक्स। इसमें मतलब ये कनेक्ट कितने को करता है, 800 से ज्यादा आईएसपी इसमें कनेक्ट होते हैं और 4000 गीगाबिट्स, मतलब 4 टेराबिट्स हर एक सेकेंड डेटा ट्रांसफर होता है। और ये जो बात है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि पीयरिंग चॉइस कैसी है। जैसे अगर ये दोनों आपस में पीयर है तो डायरेक्ट चला जाएगा, मतलब अगर आईएसपी डायरेक्टली इसको भेज सकता है, अगर ये पीयर है, अगर पीयर है तो आपस में कनेक्टेड होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये किसके थ्रू जाएगा? आपके ट्रांजिट के थ्रू। अब मैं इसका चित्र आपको इसको और थोड़ा सा बताऊंगा चित्र के थ्रू। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, या तो आप यूज कर सकते हैं, अगर पीयरिंग है तो इंटरकनेक्शन इनके बीच में है तो डायरेक्ट भेज सकते हैं, और नहीं है तो फिर आपको किसी ट्रांजिट प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग टीयर है, ये टीयर 1 है, ये टीयर 2 है, ऐसे टीयर 3 है। तो अलग अलग टीयर पे कैसे आर्किटेक्चर है, कुछ ऐसे ट्रांजिट प्रोवाइडर्स हैं जो बड़े जबरदस्त हैं, जो ट्रांजिट देते हैं, और ट्रांजिट मतलब जिनके बीच में पेयरिंग नहीं है। अगर आईएसपी, एक आईएसपी और दूसरे आईएसपी के बीच में पेयरिंग नहीं है, ये हो सकता है वोडाफोन का हो या जियो का हो, किसी भी कंपनी का हो सकता है, इनके पीछे पेयरिंग नहीं है तो ये जरूर किसी न किसी ट्रांजिट का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस ट्रांजिट का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट हैं, प्रोवाइडर्स हैं, जो आपका बैकबोन प्रोवाइड करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इसमें आपका AT&T है, इसमें Level 3, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े जायंट है जो पूरे विश्व में, इनके जबरदस्त नेटवर्क्स हैं, है ना, बहुत सारे राउटर्स हैं और बहुत अच्छी बैंडविड्थ के फाइबर ऑप्टिक लिंक से इन्होंने पूरे विश्व को कवर करके रखा है। अब कंपनीज मान लीजिए आप फेसबुक और नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनका क्या करेंगे, वो तो इतने बड़े डेटा प्रोवाइडर्स हैं या डेटा कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो यहां पर आप ये चित्र जो देख रहे हैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, ये डेटा सेंटर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने खुद का इंस्टॉलेशन करते हैं डेटा सेंटर्स का, उसको हम कहते हैं सर्वर फार्म। क्या कहेंगे? सर्वर फार्म। अब यहां पर ये जो चित्र देख रहे हैं ये गूगल का, किसका है?
गूगल का, इन्होंने बहुत जबरदस्त पैसा यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूशन या फिर कहें ये सर्वर फार्म बनाने में लगाया है। ये जो चित्र है ये है डैलस का, ओरेगॉन का। और क्योंकि ये जो जहां पर आप सर्वर फार्म लगाते हैं, बड़े बड़े राउटर्स होते हैं और हजारों के तादाद में ये राउटर्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो यहाँ पर ये जो नदी देख रहे हैं ये है कोलंबिया रिवर, और यही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े जायंट्स हैं उन्होंने ये भी किया है कि ऐसा सेटअप लगा दिया जहां से उनको फायदा हो। अब जो मैं आपको चित्र दिखाना चाहता हूं, पहले कि इसको क्लियर कर दूं, इसमें यह है कि पहला का जो आर्किटेक्चर है जो कन्वेंशनली चला आ रहा था वो इस तरीके का था। कैसा था कि भाई पूरे नेशनल, मतलब जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान के बारे में बात कर लीजिए, हिंदुस्तान का एक बैकबोन प्रोवाइडर होगा, है ना, पूरे बड़े लेवल पे। रीजनल एक्सेस प्रोवाइडर, जैसे अलग अलग स्टेट्स ले लीजिए, वहां पर एक ISP होगा, किसी और कंपनी का दूसरा ISP होगा, ऐसे ISP होगी। अब मान लीजिए ये लोकल लेवल पे आ गया, अब आपके शहर पे लेवल पे आ गए, तो यहाँ पर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ गया, यहाँ पर ISP हो गया। अब अगर ये ISP पेयरिंग है, तो अगर आपके घर में, या आप घर में बैठे हैं ना, ये IP नेटवर्क या आपके घर के कंप्यूटर हो गए, तो रीजनल से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आप आपका एक पेयरिंग है इनके बीच में, इस ISP के बीच में पेयरिंग है। और अगर नहीं है तो आप ये ट्रांजिट नेटवर्क का यूज करेंगे। यहाँ ये डॉट डॉट जो दिख रहा है वो ट्रांजिट है, हो सकता है ये ISP आपस में कनेक्टेड ना हो, या फिर ये एक दूसरे को पेयरिंग या दोस्त यार ना समझते हो, तो इस तरीके से फिर कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अभी का समय क्या हो गया, थोड़ा परिवर्तन हो गया। इसके बारे में समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछले 10 साल गुजरे हैं इसमें यह हायरार्की पूरी चेंज हो गई है, पूरी तरीके से चेंज हो गई है। क्योंकि यहां पर आपके बड़े बड़े जायंट, बहुत बड़े बड़ा नाम, गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स, ट्विच, अमेजन, ये आ गए, और इनके पास CDN है ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स हैं इनके पास, जैसे ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड CDN कौन कौन करता है, Akamai हो गया, लाइमलाइट हो गया, Cloudflare हो गए। तो अगर आप अभी चित्रण देखेंगे इसका, तो ये बिल्कुल ही परिवर्तित हो चुका है, ये अलग से फ्लैटनिंग हो गई, क्योंकि यहां पर लार्ज कॉन्टेंट कंज्यूमर होस्टिंग CDN आ गए। तरीका वही रहा लेकिन थोड़ा सा फ्लैटनिंग हो गई, यानी बल्जिंग आउट हो गया है। इस तरीके की हायरार्की नहीं है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं।